हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 87 जो कि आपका 17th of February 2021 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। तो चलिए हम इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर जायंट मॉलिक्यूल्स डैट आर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली। यानी जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट है, वो जायंट मॉलिक्यूल्स होता है जिसे हमारा बॉडी डायरेक्टली और एब्जॉर्ब नहीं करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रेक दिस मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन इस क्या करता है, उसको ब्रेक करता है इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, डैट कैन डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स एंड एंटर द ब्लड, और तब जाके वो ब्लड तक पहुंच पाता है। द ऑर्गन ऑफ द आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड द एंजाइम टू ब्रेक डाउन फूड। ईच एंजाइम्स अटैक ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं। बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर मेक्स द फूड। तो बाइल जूस जो है ना, वो कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों हमारा, तो हमारा ये बाइल जूस एल्कालाइन होता है। कैसा होता है? एल्कालाइन होता है। एंजाइम एमलाइज एक्ट अपॉन, एंजाइम एमलाइज कैसे एक्ट करता है? तो हमारे बॉडी में स्टार्च के अकॉर्डिंग, स्टार्च की तरह एक्ट करता है, राइट। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम, तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, पेप्सिन्स एंड ट्रिप्सिन्स एंजाइम आर प्रजेंट इन द स्टमक एंड पेनक्रियाज में होता है। क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? स्टमक्स एंड पेनक्रियाज में। द ग्राफ शोज द एक्टिविटीज ऑफ द टू डिफरेंट एंजाइम इन दिस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डैट हैव द सेम सबस्ट्रेट। वॉट इज एंजाइम एक्स एन वाई? तो एंजाइम एक्स एन वाई ये पेप्सिन है। क्या है बच्चों? पेप्सिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।